नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह वोट के लिए अमेठी में नमाज पढ़ती है और मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाती है। प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना ही स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि उसकी महासचिव वोट के लिए अमेठी में नमाज पढ़ती है और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर दर्शन के लिए जाती है। स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इस सीट पर राहुल गांधी के लिए बहन प्रियंका गांधी चुनावी कैंपेन करती रही है। स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। प्रियंका ने इस सीट पर अपने भाई राहुल के लिए समर्थन जुटाने में प्रचार किया। प्रियंका दो दिन पहले महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने गई थी और वहां महाकाल की पूजा की थी। उन्होंने उसके बाद एक रोड शो भी किया था। स्मृति ने खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान के समर्थन में सतवास में आयोजित एक सभा में कहा कि किसानों की ऋण माफी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते को मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कहकर रोक दिया है कि प्रदेश में आचार संहिता लगी है, बाद में कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों और बेरोजगारों के साथ धोखा है। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बताए कि उन्होंने झूठ बोलकर प्रदेश के किसानों और बेरोजगारों से धोखा क्यों किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेईमान है, इसने भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया है।